रानी जी, कहाँ जा रही हैं? आप इस तरह ही हो, सुध-बुध खोए। सरना, आज जानती है मैंने क्या किया? मैंने राणा जी को वचन दिया कि दिवाली तक हम मिलकर दिया जलाएंगे और वो पूरी तरह से मुझे अपना लेंगे। क्या? हमें तो लगा था कि राणा जी की बातें सुनने के बाद आप बहुत दुखी होंगे। दुखी? समय नहीं है दुखी होने का, इतना सारा काम बाकी है, सपने देखने हैं, सपनों को पूरा करना है। पर ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, मुझे अपनी सहेली की जरूरत पड़ेगी। स्वर्णा, एक बार मुझ पर विश्वास करके राणा जी का दिल जीतने के लिए आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है, आप चाहती हैं तो हम आपका साथ जरूर देंगे। आप मेरे साथ चलिए। पर कहाँ? मुझे आपसे ढेर सारी बातें सीखनी और समझनी है, आप चलिए तो। मेरी माँ कहती है घर के गणित को समझना हो ना तो शुरुआत रसोई घर से करनी चाहिए। हाँ ठीक है, पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वर्णा, इलाज की शुरुआत करने से पहले बीमारी का पता होना जरूरी होता है। बीमारी? कौन बीमार है? राजमहल बीमार है। राजमहल बीमार है? कर्ज का रोग लग जाए ना तो बड़े बड़े राजमहल मिट्टी में मिल जाते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि राजमहल को मेरे बाबूजी जैसे साहूकारों से कर्जा क्यों लेना पड़ता है, और ये मैं ढूंढ कर रहूंगी। आप बहुत जिद्दी हैं, पर इस जिद में हम आपके साथ हैं। हम भी एक राजमहल में पले बड़े हैं, इसलिए जानते हैं राजमहलों की रसोइयों में क्या होता है, कैसे होता है। आइए। बहुत सारा सामान है ये महीने भर का राशन ऐसे ही रहता है यहाँ पर? ये महीने भर का राशन नहीं, महीने के बाद का बचा हुआ राशन है। अब किसी काम का नहीं तो इसे फेंकने जा रहे हैं। तो ये खराब हो गया है। ये देखिए, ये छोटे कुंवर जी के लिए कश्मीर से बादाम मंगाए गए थे, उन्हें बड़े पसंद है, उन्होंने कुछ खाए फिर जी भर गया और अब ये सब फेंके जा रहे हैं। और ये अंग्रेजी महंगी शराब, एक बोतल से दो बार पीना कुंवर जी की शान के खिलाफ है, तो एक बार के बाद बोतल फेंक दी जाती है। और वो राजमाता के लिए जैतून का तेल खास लंदन से मंगाया गया था, उन्हें इसकी खुशबू पसंद नहीं आई तो अब ये भी फेंका जा रहा है। पर स्वर्णा, इतने सारे सामान से तो न जाने कितने लोगों का पेट भरा जा सकता है, हम इस सबको प्रजा में बांट क्यों नहीं देते? अभी तो आपने शाही भंडार घर नहीं देखे जिनमें अनाज की बोरियां पड़ी पड़ी सड़ गई हैं। पर अन्य का इतना अपमान क्यों? रानी जी, राज्य की मंडियों से सबसे अच्छा अनाज सीधा पहले महल के भंडार में ही जाता है, उसमें से बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। और भूखी प्रजा का क्या? ये राजमहल है रानी जी, यहाँ सोने की मीनारों को देखा जाता है, नींव के पत्थरों को नहीं। नींव के पत्थरों को अनदेखा करने वाली मीनारें ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती। अब तक इस घर में जो भी हो रहा था अब से वैसा नहीं होगा। ये मेरा घर है और मेरा परिवार, और देश के पैसों को मैं इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। राज परिवार चाहे ना चाहे, उनको बदलना होगा। मैं जानती हूँ आप पुश्तों से इस महल की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज इस रसोई घर में मैं कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ। मुझे ये बदलाव लाने में आप लोगों की मदद की जरूरत होगी। मैं जानती हूँ आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि भला एक रानी का रसोई घर के सामान की खरीद फरोख से क्या लेना देना। पर आज से इस रसोई घर के हर छोटे मोटे फैसले मैं लूंगी। इस रसोई घर में क्या चीजें आएगी और क्या फेंकी जाएगी ये मैं तय करूंगी। रसोई बदलेगी तो स्वाद भी बदलेगा। शुरुआत होगी घी, चीनी और मसालों से। आप मुझे ये बताइए, ये घी, चीनी और मसाले आपको कितने दिन चलते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह। एक सप्ताह? एक काम कीजिए, ये तीन बुनिया बाहर ले जाइए और जो घी के डब्बे सारे ले जाइए, सिर्फ तीन रहने दीजिए। जी।
अभी बचे हुए घी चीनी और मसालों को आप एक महीना चलाएंगे। रानी साहिबा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कृपया आप ऐसा मत कीजिए। अगर कुंवर जी के खाने में जरा भी घी कम पड़ गया तो मुझे मार मार के मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। जो भी सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे उसके जवाब मैं खुद दूंगी। और वैसे भी खाना जब कम घी चीनी और मसालों में बनेगा तो सेहत के लिए भी अच्छा होगा। अब आप एक काम कीजिए, घर पे जितनी भी शराब की बोतल है उसे सब एक बाल्टी में खाली कीजिए और यहाँ ले आइए। जी। इस सब का अंजाम क्या होगा? स्वर्णा, अच्छे काम का अंजाम हमेशा अच्छा ही होता है, तुम देख लेना। यही तो रखी थी, कहाँ चली गई? कोई है? छोटे कुंवर जी, अपने बाप से ही चोरी? जी, आप ही क्या कह रहे हैं? हमारी विलायत की शराब की बोतलें कहाँ हैं? आप ही ने चुराई है ना, बताइए कहाँ हैं, वरना मारूंगा 100 गिनेंगे एक। कुंवर जी, आप हमारी शराब चुरा कर हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हमारी शराब चुरा ली और रातों रात पी गए? आपने हमारी शराब नहीं चुराई? क्या मेरे पर बात दुश्मनी के सहारे है कौन जो बिगड़ी? क्या हुआ, आप लोग हमें ऐसे क्या देख रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं हम। कोकिले, आपने मदिरा पान कब से शुरू कर दिया है? हाय महाराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको क्या लगता है हम इतने गिरे हुए हैं कि शराब चोरी कर कर पिएंगे? और हम तो महाराज कभी कभी आपके साथ। ये नौकर बिना कहां मर गए? अरे कोई है? जी हुकुम। हमारी शराब कहां है? जी वो मैं बाल्टी में डालकर लेके गया था। किसके हुकुम से? तेरी इतनी रुक जाइए देवर जी। ये शराब मेरी विनती से हटाई गई है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आपने हमारी बोतलों का क्या किया? नाले में फिकवा दी। क्या आपकी ये मजाल? आपने हमारी बोतलों को छुआ कैसे? ये बोतलें राज परिवार के खर्चे पर आई थी, किसी की निजी बोतलें नहीं थी। और राज परिवार की रानी होने के हिसाब से आज से राज परिवार का खर्चा मैं देख रही हूँ। और ऐसे में कोई भी बुरी आदतें या फिजूल के खर्चे हो तो उसे रोकना मेरा फर्ज है। गोवर्धन जी, आप जा सकते हैं और वो आधी शराब की जो बाल्टी पड़ी है उसे भी नाले में फेंक दीजिए। ताज सर पर आते गुरूर भी आ गया। हम मानते हैं कि आप रानी हैं, लेकिन हम भी भिखारी नहीं। मैं जानती हूं देवर जी, मुझे लगा राज परिवार के खर्चे पर पीना आपके आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। और राणा जी के लिहाज की वजह से आप ये रस्म बन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने खुद ही कर दिया। ये बातें बनाने से ये सच बदल नहीं जाएगा कि आपने जो कुछ भी किया है हमें छोटा दिखाने के लिए किया है। कुंवर चाचा, आप इस घर के बड़े हैं, आपका अपमान करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। पर आप ही सोचिए, अंग्रेजी शराब खरीद कर हम उनका ही फायदा कर रहे हैं, उन अंग्रेजों का जो हमारी प्रजा से 3 गुना ज्यादा लगान लेती है।
ऐसे में अंग्रेजों को बढ़ावा देना, उनके हाथ मजबूत करना सही होगा क्या? राजमहल कर्ज का समुंदर बन चुका है और ये समुंदर बूंद बूंद करके खाली हो जाएगा। ऐसे में मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ। अगर किसी को भी खर्चा कम करने में आपत्ति हो रही हो तो आज सभा में राणा जी के सामने आप ये प्रश्न उठा सकते हैं। माफ कीजिएगा, मैं चलती हूँ। आज का खाना रानी गायत्री देवी ने खास अपनी निगरानी में बनवाया है। आज खाना थोड़ा अलग बनाया है, आशा आप लोगों को पसंद आएगा। हाँ, कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा है। कुंवर चाची, खाके तो बताइए खाना कैसा है। पहले आप खाइए, आप बड़े हैं ना, आप छोटे हो, पहले आप निकलो। खाना पसंद आया कुंवर जी? स्वाद थोड़ा अलग है। अलग नहीं, बहुत अलग है रानी गायत्री देवी, बहुत अच्छा है। जी धन्यवाद, मैंने इसमें जीरे का तड़का लगाया है, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने मायके में बनाती थी। ठीक ही है महाराज, आपको सिर्फ ठीक लग रहा है? खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, हमारा तो मन कर रहा है अपनी उंगलियों के साथ साथ दूसरों की उंगलियां भी चाट जाएं। आपको कैसा लगा जी? बुरा नहीं है। पर आज स्वाद इतना अलग क्यों? इसमें बहुत कम घी और मसाला डाला गया है, आज से घर में ऐसा ही खाना बनेगा। हम गरीबों का खाना खा रहे हैं महाराज, फिर गरीब क्या खा रहे हैं? कुंवर चाचा, खाना अमीर या गरीब नहीं होता, खाने वाला अमीर या गरीब होता है, और ये खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और आज सबको ये खाना अच्छा भी लगा है तो आज से इस घर में यही खाना बनेगा। लग रहा था, जब तक हमें पता नहीं था कि इसमें घी मसाले नहीं। राजमाता जी, अगर आपको हमें कैदियों का खाना खिलाना था तो आप हमें जेल ही भेज देती? धीरे बोलिए, उनके मन में ऐसी बात मत डालिए, सच में जेल भिजवा देंगे। लेकिन अगर किसी को पता चलेगा कि राजमहल में ऐसा खाना बनता है तो क्या इज्जत रहेगी इस परिवार की? पहले आपने हमारी शराब नदी में भागी, अब हमारा खाना बंद कर दिया है। आप इस सब की इजाजत कैसे दे सकते हैं राणा जी? हम एक सिपाही हैं कुंवर चाचा जी, जंग के मैदान में हम कुछ साल गुजार चुके हैं,
खाने को लेकर परेशान होना सिपाही की फितरत नहीं होती। छोटे कुंवर जी, राजवंश की पहचान उनके खाने पीने से नहीं, उनके कर्मों से और उनकी बहादुरी से होती है। हमें इतनी छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने राणा जी का फैसला सुन लिया, अब खाना खाइए। इतना भी बुरा नहीं। रानी गायत्री देवी जी, आपने तो बहुत मुश्किल काम ले लिया अपने हाथ में। बरसों से चली आ रही खाने पीने की आदतों को और जिंदगी के तौर तरीकों को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो रानी ही क्या जो आसान काम अपने हाथ में लेते। हम जानते हैं कि ये सब आप क्यों कर रही हैं। ये सब खाना खाने से सेहत अच्छी होती है और रसोई घर में ये फजूल खर्चा भी खत्म हो जाता है। एक अंग्रेजी कहावत है ना, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। जी मतलब? आपने बचत की शुरुआत करके बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हर बची हुई कौड़ी की कीमत होती है। हुकुम, कुछ जरूरी बात करनी थी। राणा जी खाना खा रहे हैं। रुकिए मंत्री जी, मंत्री जी अगर रुक सकते तो इस वक्त यहाँ आते ही नहीं। मंत्री जी सब ठीक तो है ना? हुकुम, खबर तो अच्छी नहीं है मगर। आप बताइए बात क्या है। फरमान है, पढ़ता हूं। सेवा में राणा इंद्रवदन सिंह देव जी, आपको सूचित किया जाता है कि आपने ब्रिटिश हुकूमत की अनुमति के बिना एक गैर राजपूत लड़की को रानी बनाया है, इसलिए ब्रिटिश हुकूमत आप पर 10,000 गिनियों का लगान लगा रही है। लगान न देने की सूरत में ब्रिटिश हुकूमत राणा इंद्रवदन सिंह देव जी को सिंहासन से हटाने पर मजबूर हो जाएगी। आपका ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफिसर विल्किंसन। अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत करते करते थक गए थे कि अब हमारी जिंदगी पर भी हुकूमत करना चाहते हैं। हम क्या खाए क्या पिए, किससे शादी करें, अब इस पर भी अंग्रेजी सरकार की मोहर की जरूरत पड़ेगी। राजमहल पहले ही टूटा हुआ है राणा जी, ये लगान हमें बर्बाद कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा राजमाता। पर अंग्रेजी हुकूमत का गुस्सा एक आंधी है राणा जी। कुछ चिराग आंधियों में भी जलते हैं कुंवर चाचा जी। अमरकोट एक ऐसा चिराग है जो इतनी आसानी से नहीं बुझेगा। अंग्रेजों को बहुत जल्द इन जातियों का हिसाब देना पड़ेगा। आप बहुत खुश हो रही थी ना कि रानी गायत्री देवी ने रियासत के कितने पैसे बचाए हैं। देखिए, दिस इज द मनी शी इज गोइंग टू कॉस्ट अस नाउ। ये है वो कीमत जो रियासत को इनकी वजह से चुकानी पड़ेगी। आप ये खाना खा के अपनी सेहत सही कीजिए। हमारी भूख कब की मर गई है।